नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मॉर्निंग में हमने ऑफर का वीडियो अपलोड किया था, उम्मीद है सभी ने देख लिया रहेगा। और वहां पर हमने बताया था ये जो डबल धमाका ऑफर जो आई है उसके ऊपर मैंने बताया था वो वीडियो में कि जरूर ये पोस्टर में रिवाइज होके आएगा, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ही ऐसी थी कि जिसके चलते मुझे भी डाउट था कि ये पोस्टर में कुछ तो गलत किया गया है, मतलब कुछ तो गलत लिखा गया है। तो दोस्तों, वो सारा क्लेरिफिकेशन आ गया है, नया पोस्टर भी आ गया है। वीडियो में बिल्कुल भी अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि वो जो नया पोस्टर आया है उसके हिसाब से अब ये ऑफ़र का बेनिफिट्स किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब आप बिलिंग कराओगे तो क्या आपको सावधानी रखनी है, और शायद ये मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद शायद अभी भी इसमें कोई चेंजेस आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ऑफ़र है भी और नहीं भी है, कोई मतलब नहीं बनता ये ऑफ़र का। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे वीडियो में आपको समझ में आएगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको ये ऑफ़र का बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है, चॉइस आपकी है। कंपनी ने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको इसका बेनिफिट लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ सब कुछ आगे समझाऊँगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो एक बात खास ख्याल रखना बिलिंग करवाने के टाइम पर क्या करना है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो मैं पूरा विथ पॉइंट से बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे कि क्या चेंज आए हैं पोस्टर में, क्या रिवाइज होके आया है और आपको उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं अभी आपको स्क्रीन में कुछ पोस्टर दिखाता हूँ। देखिए कि जैसे पहले हमारे पास ये ऑफ़र आई थी, सबसे पहले तो ये ऑफ़र समझ लीजिए, ये ऑफ़र क्या है। ऑफ़र के पोस्टर में क्या लिखा है कि जो भी आदमी नया जुड़ेगा वो अपना फर्स्ट इनवॉइस जो भी करेगा, अगर 100 पीवी से लेके 199 पीवी के बीच में करेगा तो उसको 50% एक्स्ट्रा पीवी मिलेंगे, मतलब कि 100 पीवी करता है तो उसको 150 पीवी मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर 200 से लेके 400 पीवी तक वो करता है तो एग्जिट उसके डबल पीवी उसके हो जाएगा। ये कुछ था, लेकिन पोस्टर में सबसे पहला तो हमें कन्फ्यूज़न क्या था, ऊपर पोस्टर में जैसे हम देख सकते थे कि ऊपर लिखा था फर्स्ट इनवॉइस आफ्टर ज्वाइनिंग, ऐसा लिखा हुआ था। और टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा था, दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रीपर्चेस। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन था कि एक बाजू कंपनी बोल रही है कि फर्स्ट इनवॉइस पे ऑफर मिलेगा और टर्म्स एंड कंडीशन में लिख रही है कि रीपर्चेस पे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, नया पोस्टर आ गया है, उसमें से वो लाइन हटा दी गई है। अब जो नया पोस्टर आया है सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे रख दूंगा, ठीक है ना, तो आप चिंता मत करें। फिलहाल मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैं तो यहाँ देख देख के बोल रहा हूँ, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब कंपनी ने वो लाइन वो पोस्टर में से निकाल दी है, मतलब कि अब ये बात कंफर्म हो गई है कि ये जो ऑफ़र है फर्स्ट इनवॉइस पे ही मिलेगी, रीपर्चेस वालों को नहीं मिलेगी। अब ये फर्स्ट इनवॉइस किसे किसे मिलेगी, वो भी काफ़ी लोगों के सवाल था कि सर वो व्यक्ति यही महीने में जुड़ा होना चाहिए क्या। तो वो बिल्कुल भी क्लेरिफिकेशन आ गया है, वो व्यक्ति कभी भी जुड़ा है आपके साथ लेकिन वो अभी भी जीरो पीवी पे है, उसने अपनी कोई भी परचेस नहीं की अभी तक, मतलब एक सिंगल साबुन तक नहीं खरीदा है उसने, मतलब कि टोटली जीरो पीवी पे है, वो सारे लोग इसका बेनिफिट ले सकेगी ये ऑफर का, समझिए। तो प्लीज़ कमेंट में ये मत पूछना कि सर मेरे साथ कोई अप्रैल में जुड़ा था या मार्च महीने में जुड़ा था लेकिन जीरो पीवी पे है तो उसको मिलेगा क्या, जब बिल्कुल मिलेगा। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके डाउनलाइन में हैं, चाहे वो कभी भी जुड़े हैं, अगर वो जीरो पीवी पे है तो उसका उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। सिंपल, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरा एक कन्फ्यूज़न था ग्रो योर नेटवर्क वाला पोस्टर में, अगर आपने देखा रहेगा तो उसमें सबसे पहला लाइन था कि वो क्लब आप कर सकते हो, ग्रो योर नेटवर्क जो ऑफर है उसके साथ आप इसको क्लब कर सकते हो। तो देखिए उसका क्लेरिफिकेशन आ गया है, मान लीजिए कि आपके नीचे वाली डाउनलाइन 200 पीवी करती है फर्स्ट इनवॉइस में तो उसको तो डबल होके 400 पीवी मिल जाएगा, तो ये केस में सिर्फ 2 पॉइंट ही मिलेंगे, 4 पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब वो लाइन का भी वैसे देखा जाए तो कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने इसका भी पूछा तो भाई ये लाइन क्यों लिखी है, बोलता है वो उसमें बेनिफिट है, वो ऐसा गोल मटोल जवाब दे दिया उन्होंने। बट सिंपल सी बात है, क्लेरिफिकेशन डायरेक्ट हो गया कि मैं बोला भाई सीधा साधा बताइए पॉइंट कितना मिलेगा, अगर 200 पीवी करता है और 400 पीवी डबल पीवी से हो जाता है उसका तो मैक्सिमम 3 पॉइंट तो वैसे भी मिलता है, तो क्या 3 पॉइंट मिल जाएंगे क्योंकि पीवी तो 400 गिने है। तो बोला नहीं, सिर्फ 200 पॉइंट ही, मतलब 2 पॉइंट ही काउंट हो गए।
तो ये भी गलत फहमी में मत रहना कि कोई आदमी को मैं 200 PV से ज्वाइंट करवाऊंगा तो उसके 400 हो जाएंगे और मुझे 3 पॉइंट मिल जाएंगे, तो वो 3 पॉइंट भी मिलने वाले नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दे की बात, इसमें और एक पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था, दिस स्कीम कैन नॉट बी क्लब विथ मंथली फर्स्ट इनवॉइस आफ्टर ज्वाइनिंग स्कीम। अब इसके लिए देखो आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब फर्स्ट इनवॉइस वाली, अब हमारे पास ये महीने में दो ऑफर आ चुकी है, एक तो ये डबल धमाका ऑफर आ गई है और एक जो हमारी रेगुलर फर्स्ट इनवॉइस ऑफर है वो तो चल ही रही है। अब इसका क्लेरिफिकेशन ये था कि सर उसमें तो देखो अलग अलग कैटेगरी के कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो, इसमें सिर्फ यही प्रोडक्ट लेने हैं, तीन कैटेगरी के, हेल्थ के प्रोडक्ट लेने हैं, आयुष आंटे के लेने हैं, वेस्लिम के प्रोडक्ट लेने हैं। तो सीधा सीधा सवाल था, सीधा सीधा जवाब वहाँ से मिल गया कि अगर आप 100 PV करते हो, या सिर्फ पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मल 2200 रुपये का एक इनवॉइस करते हो जो आपका फर्स्ट इनवॉइस हो गया और आपने कोई भी कैटेगरी के प्रोडक्ट ले लिए, तो वो केस में आमला की बोतल या शैम्पू की बोतल आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये सिंपल। अब आप 100 PV करते हो लेकिन कोई भी कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट लेते हो, होम केयर, हेल्थ केयर, सब कुछ मिक्स मिक्स खिचड़ी खिचड़ी करके प्रोडक्ट लेते हो, तो वो केस में भी आपको आमला की बॉटल या तो शैम्पू की बॉटल मिल जाएगी, क्योंकि देखो ये जो डबल धमाका ऑफर है वो तो तीन कैटेगरी के प्रोडक्ट के ऊपर ही है, तो वो केस में भी आपको कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि आपने 100 PV कर लिए, यही कैटेगरी के तीन कैटेगरी के प्रोडक्ट पे कर लिए, तो वो केस में क्या होगा। अब आप एलिजिबल हो, एक्स्ट्रा PV के लिए एलिजिबल है जिन्होंने भी वो 100 PV किया है, तो वो केस में उसको 100 के जगह पे 150 PV तो हो जाएंगे बट आमला की बॉटल नहीं मिलेगी, मतलब फर्स्ट इनवॉइस के साथ वो क्लब नहीं कर सकेगा। मतलब एक सिंपल बात है, या तो आप वो वाली ऑफ़र ले लो या तो 50 PV एक्स्ट्रा वाली ऑफ़र ले लो। इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा था कि ये ऑफ़र का वैसे ही कोई मतलब नहीं बनता है, सिंपल सी बात है। अब आप सोचना कि आपको किस तरीके से काम करना है। सिंपल सी बात है, अगर मेरे नीचे कोई नई व्यक्ति जुड़ेगी और मैं उसको 100 PV से ज्वाइनिंग करवाता हूँ और ये तीन कैटेगरी के प्रोडक्ट दिलवाता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसको आमला की बॉटल दिलवानी चाहिए या 150 PV करवाने चाहिए। दोनों केस देख लेते हैं। अगर मैंने 150 PV करवा लिए, अब उसका लेवल बिल्कुल भी नया जुड़ा है, 100 के जगह पे 150 PV हो गए, तो अभी भी उसका लेवल तो क्या है, 5% ही है, उसको बेनिफिट क्या होगा, उसको जो चेक आने वाला है वो भी एक्चुअल PV का 90 रुपये का ही आने वाला है, 5% के हिसाब से आएगा, और नुकसान क्या हो गया, उसको आमला की बॉटल नहीं मिली। अगर उसके जगह पे मैं अगर उसको एक्स्ट्रा PV ना लेते हुए उसको आमला की बॉटल दिलवा देता, तो वो केस में भी चेक तो उसको 90 रुपये का आता ही आता, लेकिन अलग से आमला की बॉटल भी उसको मिल जाती या शैम्पू की बॉटल मिल जाती। अब ये केस में मैंने उनको पूछा कि अगर मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा PV नहीं चाहिए, तो मुझे कन्विंस कर रहे थे सर ये 400 PV तक का है, तो चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते कि मान लीजिए हमारे नीचे जो आदमी है उसको हमने 200 PV से ज्वाइनिंग करवाई यही तीन कैटेगरी के प्रोडक्ट पे, अब 200 के हो गए 400, अब वो हो गया फास्ट स्टार्ट 8%, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रा PV नहीं लेता तो 200 PV पे उसको जो पे आउट बन के आता था वो आता था 180 रुपये का, क्योंकि एक्स्ट्रा PV नहीं मिले, 200 PV की है तो उसको 5% के हिसाब से 180 का चेक आता था, लेकिन अभी वो एक्स्ट्रा PV से फास्ट स्टार्ट 8% बन गया है। अब उसको प्रोडक्ट वाउचर तो वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट वाउचर चाहिए तो एक्चुअल 282 PV करने, लेकिन पे आउट जो है उसको 8% के हिसाब से आएगा और वो आएगा 288 रुपीज़ का, 180 के जगह पे उसको आएगा 288 का पे आउट आएगा, मतलब 108 रुपये का ज़्यादा का पे आउट आएगा अगर ये ऑफर का बेनिफिट लेता है एक्स्ट्रा PV का। लेकिन आमला की बॉटल तो उसमें भी नहीं मिलेगी। अब आमला की बॉटल की प्राइस आप सभी को मालूम है 185 रुपये है, तो भी वो केस में भी वो नुकसान में है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो नया जुड़ने वाला है वो तो बिल्कुल भी नया जुड़ा है, वो तो बेचारे को PV क्या है, BV क्या है, वॉल्यूम क्या है, वो सबका कोई नॉलेज ही नहीं है। वो ये नॉलेज किसके पास है, ये नॉलेज है हमारी अपलाइन, मतलब कि हम अपलाइन के पास है। अब अपलाइन डिसाइड करेगा कि उसको हमें फ्री प्रोडक्ट दिलवाना है या एक्स्ट्रा PV दिलवाने हैं। अब एक्स्ट्रा PV दिलवाओगे तो उसको खुद को इंडिविजुअली जो आदमी जुड़ा है उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, बेनिफिट जो होगा ऊपर के लेवल को होगा, क्योंकि शायद उनका जो साइड मेंटेनेंस है और वो सब कंप्लीट हो जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा स्वार्थ उनका बीच में आ जाएगा। तो एज अ अपलाइन अब आपकी ड्यूटी है कि आप जब नई व्यक्ति को ज्वाइन करवाओगे इसके अंदर,
तो आपको उसको पीवी दिलवाने हैं या प्रोडक्ट दिलवाने हैं। मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों, इसमें प्रोडक्ट ही दिलवाना चाहिए, ये ऑफ़र का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नया जुड़ने वाला व्यक्ति को ये ऑफ़र आप दिलवाओगे तो वो खुद नुकसान में रहेगा, उसको कोई बेनिफिट अलग से होने वाला नहीं है। हाँ, ये ऑफ़र तभी सक्सेस हो पाती है दोस्तों कि ये ओपन फॉर ऑल रख देते, फर्स्ट इनवॉइस नहीं, मतलब कि जो भी आदमी ये तीन कैटेगरी के 100 पीवी के लेंगे प्रोडक्ट, उसको 150 पीवी मिल जाएंगे, या 200 से 400 के बीच में लेगा तो उसको डबल पीवी मिल जाएगा। अगर ये ऑफ़र रीपर्चेस पे स्टार्ट हो जाए और सभी के लिए ओपन हो जाए तो ये ऑफ़र डेफिनेट बहुत ही मार्वलस ऑफ़र है, इसके जैसी कोई ऑफ़र ही नहीं है। ये ऑफ़र शायद ही कोई वापस दोबारा देगा, वैसी ऑफ़र है ये, लेकिन इसके लिए ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये वीडियो भी जानी चाहिए मैनेजमेंट तक। कल की वीडियो चली गई, तुरंत पोस्टर नया बन के आ गया, क्योंकि वो उनकी मिस्टेक थी। अब आपको हमें कमेंट में ये सपोर्ट करके लिखना है कि यस वांट रिवाइज, ठीक है, रिवाइज ऑफ़र ये होनी चाहिए ओपन फॉर ऑल। ये लिखिए कमेंट में कि ओपन फॉर ऑल, मतलब के रीपर्चेस पे जो भी आदमी है, जूना पुराना नया जो भी है, जो भी आदमी रीपर्चेस करेगा और ये तीन कैटेगरी के प्रोडक्ट लेगा तो उसको ये हिसाब से 50% या तो 100% पीवी, जो हिसाब से जितने पीवी करेगा उसके हिसाब से उसको वो ऑफ़र मिलनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, और मेरी भी बात वैसे चल रही है, क्योंकि ऑफ़र तभी सक्सेस हो पाएगी जब वो रिवाइज होके आएगा, और अगर रिवाइज होके नहीं आता है तो ये केस में एज अ अपलाइन हमारी ड्यूटी बनती है कि ऑफ़र का बेनिफिट हमें नहीं दिलवाना चाहिए हमारी डाउनलाइन को, उसको स्ट्रेट अवे, भले 100 पीवी के प्रोडक्ट यही तीन कैटेगरी के लेता है फिर भी उसको फ्री प्रोडक्ट दिलवाइए, क्योंकि आफ्टरऑल देखो टर्नओवर के ऊपर पैसा मिलने वाला है, और उसका 100 के जगह पे 150 पीवी होने पे भी उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, उल्टा उसको नुकसान होएगा कि उसको जो फ्री में शैम्पू या तो आंवला मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही ऑफ़र ले पाएगा वो। तो बिलिंग करवाते टाइम खास ख्याल रखना है, अगर आप 100 पीवी के काउंटर पे जाके बिलिंग करवाते हो तो स्पेसिफाई, अगर आप स्पेशल ये तीन कैटेगरी के प्रोडक्ट लेते हो, मिक्स प्रोडक्ट लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्री प्रोडक्ट ही मिलेगा, लेकिन अगर ये तीन कैटेगरी के प्रोडक्ट लेते हो और आपको एक्स्ट्रा पीवी नहीं चाहिए तो बिलिंग इनवॉइस करवाते टाइम ही आपको काउंटर पे बोलना होगा कि भाई साहब हमें एक्स्ट्रा पीवी नहीं चाहिए, हमको फ्री प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हिसाब से काउंटर पे हो जाएगा। एक बार बिल बन गया तो फिर वापस रिवाइज करने का काफ़ी तकलीफ होता है, हो तो जाएगा लेकिन काफ़ी वापस दिक्कत हो जाएगी, तो स्टार्टिंग में ही आप उनको बोल दीजिए और आपकी डाउनलाइन को वो फ्री प्रोडक्ट वाली ऑफ़र दिलवाए मेरे हिसाब से। फिर एज अ अपलाइन आप क्या सोचते हो, आपको किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए, फिर भी अगर कोई वापस से अपडेट आई इसके ऊपर, और शायद आएगी ही, ओपन फॉर ऑल होना ही चाहिए, अगर आ गई तो मैं डेफिनेट वापस से एक वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलाइन को शेयर कर दीजिए ये वीडियो, कि ताकि वो लोग गलती ना करें और ये ऑफ़र का लालच में और अपनी डाउनलाइन को उस तरीके से ना ज्वाइनिंग करवा दे। फ्री प्रोडक्ट दिलवाएगा उसी में समझदारी है, एक्स्ट्रा पीवी लेने में कोई समझदारी नहीं है। हाँ, आपको अपना साइड वॉल्यूम का चक्कर है और ये है और आपका खुद का स्वार्थ है तो आप करवा लीजिए, वो हिसाब से बेचारा डाउनलाइन की तकलीफ बढ़ेगी, मतलब उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।